हेलो दोस्तों, मेरा नाम नितिन है, नितिन मोहनलाल। कई बार मेरे पास पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ काउंसलिंग के लिए आते हैं और उनका अक्सर सवाल होता है कि उनका बच्चा पढ़ता तो बहुत है लेकिन रिटेन नहीं कर पाता। और कई बार सवाल ये भी होता है कि बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लगता। मेरा आज का वीडियो इसी टॉपिक पर रहेगा कि कैसे आपके बच्चे का कम समय में ज़्यादा टॉपिक को रिटेन करने की क्षमता रहेगी और किस तरह से आपके बच्चे का मन पढ़ाई में लगेगा। लेकिन उससे पहले, अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी सारी वीडियो समय से मिल पाए। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर भी करें ताकि कोई और भी इसका लाभ ले सके। तो आए हम बात करते हैं आपको क्या करना है। पहले, एज अ पेरेंट्स, आपको अपने घर का माहौल स्ट्रेस फ्री रखना है। एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम है, ये बार बार अफहम नहीं करना है। हम पेरेंट्स क्या करते हैं, बार बार बोलते हैं पढ़ ले वरना फेल हो जाएगा। इसे कुछ भी याद नहीं रहता है, पता नहीं इसका ध्यान कहाँ रहता है, पूरा दिन मोबाइल में ही लगा रहता है और हम बार बार अफर्मेशन से उसके सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम कर देते हैं कि उसे कुछ याद ही नहीं रहता। इसलिए पहले उसको स्ट्रेस फ्री माहौल दीजिए ताकि वो जो पढ़े उसे याद रहे। दिखा दीजिए उसको कोई भी मूवी जो कि 35,000 फ्रेम की होती है। एक एक डायलॉग आपको बहुत अच्छे से सुनाएगा और दे दीजिए उसे पैराग्राफ याद करने के लिए। अगर बच्चे में लर्निंग डिसेबिलिटी होती तो मूवी के डायलॉग भी याद नहीं होते। प्रॉब्लम स्ट्रेटेजीज में है। सोचिए जरा, उसे मूवी का डायलॉग याद रहता है, गाने याद रहते हैं, उसे स्पोर्ट्स में कौन अच्छा कर रहा है ये याद रहता है, लेकिन पैराग्राफ याद नहीं होता। इसलिए कि उसको वो एंजॉय नहीं करता। सेकेंडली, आपका बच्चा जब भी पढ़े आप उसे बोलें कि जो भी तुम पढ़ोगे उसको मेरे साथ शेयर करना, हम दोनों उसे डिस्कस करेंगे। इससे बच्चे को लगेगा कि आप उससे कुछ लर्न कर रहे हो, क्योंकि एक स्टडी कहती है जब आप किसी को कुछ सिखाते हैं तो आप ज्यादा पढ़ते हैं। टीचिंग इज इक्वल्स टू 10 times लर्निंग। और तीसरा, उसकी इन स्टडीज को इंटरेस्टिंग बनाएं। हर बार एक नए स्टाइल के साथ उसे लर्न करवाएं। हमारा माइंड इमेजेस, फीलिंग्स और साउंड को ज्यादा रिस्पॉन्स करता है, तो कोशिश करें इन स्टेप्स से उसको लर्न करने में हेल्प करें। और यकीन माने, वो ज्यादा अच्छे से चीजों को लर्न करेगा। फिर केमिस्ट्री के फॉर्मूले हो या कोई हिस्ट्री की डेट्स याद रखना हो, डिक्शनरी के वर्ड मीनिंग याद रखने हो या फिर 1 से 100 तक के पहाड़े, स्पेलिंग मेमोराइज करना हो या एटॉमिक नंबर्स, 500 साल के कैलेंडर याद रखने हो या फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, या फिर पूरी बुक याद रखनी हो। आप पूछेंगे ये कैसे हो सकता है, मैं आपको बताता हूँ। एक नहीं, 15 से ज़्यादा टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू आपका बच्चा हर कोर्स को याद कर सकता है। इसलिए मैंने ऑनलाइन मेमोरी NLP का कोर्स रेडी किया है जहां आप मेमोरी की शानदार टेक्निक से अपने बच्चों की हेल्प कर सकते हैं। मेरा हर पेरेंट्स और टीचर से रिक्वेस्ट है, इस प्रोग्राम्स को जरूर लीजिए और अपने बच्चे की लाइफ को बेहतर से बेहतरीन बनाएं। विद लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड, ब्लेसिंग्स ऑलवेज। थैंक यू सो मच।